दोस्तों, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आपने देखा होगा कि बहुत टेम्परेचर 45-40 डिग्री से 40 डिग्री से ऊपर ही चल रहा है लगभग। ऐसे में होता यह है कि आप गर्मी की वजह से परेशान होते रहते हैं। पानी पीने के लिए अगर पानी पीने जाते हैं, कई जगह पानी गंदा होता है, पानी पी नहीं सकते हैं। प्याऊ दिखती है, लेकिन प्याऊ में क्या है कि टंकियाँ, काली टंकी उन्होंने लगा दी, बहुत बड़ी टंकी लगा दी, उसकी सफाई नहीं हो रही। अब सफाई नहीं हो रही, कीड़े पड़ रहे हैं उसमें, पानी जो है बिल्कुल गंदा संदा है, आपने पी लिया, बीमार पड़ गए। तो ये बीमारी जो है, अगर देखा जाए तो इससे बचने के लिए अगर आप अपना घरेलू इलाज करें तो बहुत एक बढ़िया चीज़ हो सकती है। इससे हर जगह बचा जा सकता है। और कुछ नहीं, ये आपके घर में आम चीज़ें जो रहती है रोज की, वो हैं केवल। उसमें आप केवल एक चम्मच शक्कर की पुड़िया बना लीजिए और एक पुड़िया में थोड़ा सादा नमक रख लीजिए। सादा या आपका जो अपना ये जो आयोडाइज नमक आता है वो थोड़ा रख लीजिए। जब भी कभी आपको थकान महसूस हो या आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो है अभी पानी गंदा है, पानी पी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में ये चीज़ क्या है कि बहुत काम देने वाली चीज़ है। थोड़ा सा हाथ पे छोटा सा शक्कर, थोड़े आधा एक चम्मच शक्कर ले ली, थोड़ा दो चुटकी नमक मिला लिया, हाँक लिया, आपको प्यास से बहुत राहत मिलेगी, दावा है मेरा ये। यही नहीं, इवन अगर यदि आप बच्चों को, छोटे बच्चों को अपने, जो उनको अगर यदि लूज मोशन होते हैं या अगर यदि उल्टियां हो रही है, तो ऐसे में भी उनको अगर यदि आप शक्कर और नमक मिला के खिला देते हैं, सूखा नमक, सूखा शक्कर, ये अगर यदि खिला देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो आप देखेंगे कि उनको उल्टी दस्त से काफ़ी राहत महसूस होगी। यही नहीं, कई बार क्या होता है कि आप गोली देते हैं, दवाई दे देते हैं, अब दवाई उलट जाती है, उलट गई तो वो जो है परेशानी हो जाती है कि अब इसको क्या दें। तो ऐसे में क्या होता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब दवाई दोबारा कैसे दें। ठीक है, लेकिन आप दवाई देने के पहले एक काम कीजिए कि उसको थोड़ा सा नमक शक्कर खिला दीजिए, पानी पिलाएंगे उलट देगा। तो निश्चित रूप से अगर ये आप उसको नमक शक्कर खिला देंगे, थोड़ा सा एक चम्मच शक्कर और दो चुटकी नमक, ऐसा अगर ये मिला के खिला देंगे, तो आप यकीन मानिए कि उसको उल्टी दस्त से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। आपको डॉक्टर तक जाने की मौका मिल जाएगा आपको। यही नहीं, आप अगर यदि दवाई देने के पहले अगर यदि उसको खिला देते तो दवाई रुक जाएगी, उसको उल्टी या दस्त उल्टी नहीं होगी वो दवाई से। ऐसे में वो प्रॉब्लम जो है वो आपके ख़त्म होने के चांसेस है। तो शक्कर और नमक, ये जो है इस टाइम गर्मी के दिनों में आप पानी बना के पिला सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो तो इंस्टेंट का काम करेगा। लेकिन अगर यदि नमक शक्कर पानी से उल्टी हो रही है तो आप पानी कैसे पिलाएंगे। ऐसे में आप अवश्य ही उसको खिला दीजिए, तो वो खिलाने से उसकी जो है उल्टी रुक जाएगी और दवाई भी बराबर का। दोस्तों, यदि आप इस पसंद कर रहे हैं तो इसे अवश्य लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।